बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ कम दिवाली मेकअप लुक। अगर आप मैरिड हैं तो करवा चौथ पे इस मेकअप को आसानी से कर सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो दिवाली पे भी आप ये लुक कैरी कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम अपने फेस को प्रेप कर लेंगे। मैं यहाँ लगा रही हूँ रोज वाटर। तो सभी प्रोडक्ट्स का लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ ग्लैम लाइव्स का विटामिन सी सीरम। सीरम बहुत ज़रूरी होते हैं और काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं स्किन में, मेकअप काफ़ी फ्लॉलेस निकल कर आता है हमारा। और नेक्स्ट स्टेप मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे है मेरे पास वाव की फेस क्रीम, ऑनियन क्रीम है ये, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से ना मॉइस्चराइजेशन दे देती है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाइएगा, नेक को कवर ज़रूर कर लीजिएगा। और अच्छे से हमें फेस पे लगानी है, और उसके बाद मैं अपने हैंड्स पे भी लगाऊंगी, क्योंकि हैंड्स के लिए भी गाइस बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है मॉइस्चराइजेशन। तो इतना करने के बाद अब मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। ये है कलर बार का प्राइमर। तो प्राइमर लगाने से ना हमारे जितने भी पोर्स होते हैं स्किन में, फेस में, वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। तो जो भी मेकअप हम उसमें लगाते हैं ना, वो पेनिट्रेट नहीं होता है अंदर, पोर्स के अंदर नहीं जाता। कलर बार का फाउंडेशन लिया है मैंने, काफ़ी अच्छा शेड है ये मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो बहुत कम ये लगता है, क्योंकि कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये देता है, तो मैं इसे लगाना प्रेफर करती हूँ। ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, इसी से मैं करूँगी। आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं या फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कंफर्टेबल होती हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ जनरली। तो देख सकते हैं कवरेज तो ये दिया है। बीच में ना मैं सीरियसली अपने लेंस लगाना ही भूल गई थी। सो अब मैं यहाँ लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का कंसीलर है ये मेरे पास। तो जहाँ पे भी ना आपको डार्क सर्कल्स हैं, थोड़ा पिगमेंटेशन है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैं अपने वो एरिया कवर कर रही हूँ जहाँ मुझे इशू है। इसे भी मैं सेमी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप ब्लेंड करना ही होता है मेकअप को, तो आपको कभी भी ना ड्रैग नहीं करना है, हमेशा ब्लेंड करना है। नो डाउट वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट फ्लॉलेस निकल कर आता है मेकअप। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ निव्या का लिप बाम, क्योंकि लिप्स को भी मॉइस्चराइजेशन चाहिए। तो अब मैं अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए लगा रही हूँ लूज़ पाउडर कलर एसेंस का। इसमें बेस्ट बात क्या है, तो लूज़ पाउडर तो है, ब्रश साथ में आता है, तो बहुत अच्छे से ना आप लगा सकते हो। इनकेस अगर आपके पास ब्रश नहीं है लूज़ पाउडर लगाने के लिए, सो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं जनरली इसका आजकल यूज़ करती हूँ, दिस इज़ माय करंट फेवरेट। तो काफ़ी अच्छा ये मुझे लुक दे देता है। जितना भी मैंने लगाया था सब पैक कर लिया है मैंने अपना बेस। तो अब बारी आ जाती है आईज़ की। तो सबसे पहले हम अपनी आईब्रोज़ को शेप दे देंगे। शेप थोड़ी ख़राब ही हो रही है, तो उस पुली की हेल्प से मैंने कर लिया। अब करेंगे कंसीलर। तो ये मेरा कंसीलर पैलेट है, तो इसमें मतलब 12 शेड्स हैं, जिसमें से आप कंटोर भी कर सकते हो और कंसील भी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ करूँगी अपनी आईज़ के लिए, क्योंकि मुझे करना है आईज़ पे गोल्डन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए मुझे अच्छे से चाहिए था कि कंसील हो जाए मेरी आँखें। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपने ब्रश का सेट। तो जो ब्रश मुझे चाहिए वो मैं निकाल लूँगी। तो ये मेरा ब्यूटी ग्लेस का पैलेट है, 60 कलर्स हैं इसमें और बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये गोल्डन सा कलर जो मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है। तो मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ लगाना गाइस आउटर कॉर्नर से, और इनर कॉर्नर की तरफ हमें जाना है और सर्कुलर मोशन में करना है, और ज़रूरत पड़े तो आपको थोड़े धर लेना है। तो आप देख ही सकते हैं कि लगाने से पहले हमें जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसे डस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं मैचिंग के लिए ले रही हूँ पिंक कलर। सो जिस तरीके से एक आंख में करूँगी उसी तरह से हम दूसरी आई को भी पूरा कवर करेंगे। बट ये वाला ना कलर थोड़ा सा स्लाइट मुझे लाइट लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर इसे कर दिया है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है, बट स्मज अभी नहीं किया है, स्मज हम इसे कर लेंगे अभी, ब्लेंड कर देंगे काफ़ी अच्छे से, सो दैट डार्क लाइट जो भी कलर हमने लिए हैं वो अच्छे से ना पॉप आउट हो जाए और मिक्स हो जाए आपस में। तो अभी फार बेटर ये लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ थोड़ा सा ये शिमरी शेड है, जो कि मेरी ड्रेस से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। तो इसके बाद आई मेकअप जो निकला है ना वो बहुत प्यारा निकला है गाइस। आप कमेंट्स करके बताओ कि कैसा लगा आपको मेरा आई मेकअप। तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बट आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। अब जितना भी एक्सेस डस्ट हो जाता है ना,
जितना भी फॉल आउट हो जाता है हमारा आई मेकअप करने के बाद, उसको मैं पूरा का पूरा डस्ट कर लूँगी ताकि मेरे फेस पे कुछ ना रहे, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी कुछ लगाना है अपने फेस पे। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ये लोटस का आईलाइनर है मेरे पास, तो मैं अपने आईलाइनर यहाँ लगा लूँगी। तो जिस तरीके से हम एक आँख में लगाते हैं इंस्टेंटली, उसी तरीके से दूसरी आँख में भी लगा लेते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा ना डेफिनेशन मिल जाता है जब आप लगा लेते हो लाइनर, काजल एंड ऑफ कोर्स मस्कारा भी गाइस। तो यहाँ पे मैंने दोनों आँखों में लगा लिया है, ये मैंने लिया गाइस लैक्मे का है मेरे पास। तो अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी मस्कारा, ये लॉरियल का है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है। इसके अच्छे वॉल्यूम की वजह से ही ना मैंने फॉल्सीज नहीं लगाई हैं लैशेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, जो लैशेस मेरे पास है वो एक्चुअली ख़राब हो गई, आई मीन टूट गई। तो मैंने सोचा चलो स्किप कर लेते हैं, ये मस्कारा काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो अब मैं करने वाली हूँ कंटोरिंग, लास्ट वाला कलर मैं लूँगी एकदम डार्क, जिससे कि काफ़ी अच्छे से ना इल्यूजन हो कि फेस पतला है, ऑल दो पतला तो नहीं है बट प्रिटेंड कर लेते हैं कि पतला है। तो यहाँ मेरे पास दो ब्रशेज़ हैं जो कि सेम है, तो एक से मैं करूँगी कंटोरिंग अपनी सेट, और दूसरा था मेरे पास हाइलाइटर के लिए। तो काफ़ी अच्छे से मुझे लगा, ये मैंने बाय मिस्टेक सेंटर में लगा दिया, मुझे एजेस में लगाना था नोज़ की, बाद में मैंने इसे ठीक भी किया। तो दोनों साइड का मैंने लगा लिया है, कंटोरिंग ठीक से कर लिया है। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ब्लश। तो ब्लश लगाने से पहले भी गाइस सेम एक्सेस पाउडर, जो भी है एक्सेस प्रोडक्ट, आप उसको डस्ट कर लोगे, उसके बाद हम ये लगाएंगे। काफ़ी अच्छे से ना ग्लो आ जाता है आपकी स्किन में, मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो इसको लगाने के बाद हम लगाने वाले हैं यहाँ पे अपनी लिपस्टिक। तो मैंने लिया है यहाँ हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक। गाइस मैं ना यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप लिपस्टिक लगाना स्टार्ट करते हो ना, तो इस तरीके से आपको एम बनाना होता है, जिससे आपकी जो लिप्स की शेप है वो बहुत अच्छे से ना निकल के आती है, और लिपस्टिक आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब एकदम जैसे आपने पार्लर से लग या सलून से लगवाई हो उस टाइप की लगती है। तो अब मैं यहाँ लगा रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर ना पाउडर हाइलाइटर है, और बहुत प्यारा है, आप देखो कितने अच्छे से ब्लेंड होता है और कितना अच्छा शिमर देता है, एकदम नेचुरल शाइन देता है आपकी स्किन को। आई जस्ट लव द पार्ट जब मैं लगाती हूँ अपना हाइलाइटर अपने मेकअप में, जस्ट लव इट गाइस। अब पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी मैं हुडा ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से, ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। सो गाइस दिस इज़ माई फाइनल लुक, होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये लुक, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा है। आपको कैसा लगा ये लुक मुझे ज़रूर बताइएगा।